और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। 7 राज्य और 13 विधानसभा सीटों पर आज जिस तरह से नतीजे आने वाले हैं, 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आज मतगणना के बाद घोषित हो जाएंगे, तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कुल ऐसे 7 राज्य हैं, 13 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। यहां पिछली बार भाजपा ने 3 सीट, कांग्रेस 2 और अन्य पार्टियां 8 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी। इस उपचुनाव में 10 सीट विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट मौजूदा विधायक के निधन की वजह से खाली हुई थी। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो यहां छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर लगातार 3 बार से विधायक कमलेश शाह ने 2023 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव में जीत हासिल की। इसके 6 महीने बाद ही कमलेश शाह कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। कमलेश 2013 से इस सीट पर काबिज हैं और अब भाजपा के टिकट पर उपचुनाव में उतरे हैं। यहां 332 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के लिए 17 टेबल लगाई गई हैं। पोस्टल बैलेट्स की मतगणना के लिए 4 टेबल लगाई गई हैं और सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, यानी कुल 20 राउंड में काउंटिंग होगी। तो 7 राज्यों में उपचुनाव की काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और इसी विषय पर हम अलग अलग हमारे मेहमान जोड़ेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं केदार सिरोही जी। बहुत बहुत स्वागत है केदार जी आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से हमने देखा ये जो चुनाव है अमरवाड़ा का, भले ही जीत हार तो अपनी जगह है, लेकिन पूरी तरह से अगर हम इसे समझें और देखें तो ये साख का भी विषय है। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट आपका। देखिए 2-3 चीजों से देखना चाहिए इसको, मुझे जो मुझे लगता है साख तो राजनीति में एक है ही, विश्वसनीयता है आपकी आइडियोलॉजी पर, आपकी वर्किंग पर, आपकी स्ट्रेटजी पर, ये कई चीजों को लेकर मतलब इसको कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा सवाल है जो अभी के चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में जो एक एथिकल पॉइंट होता है वो अभी थोड़ा सा छूटता जा रहा है। हमारा दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो या और कोई भी हो, हम लोग जो सिद्धांतिक लड़ाइयों से थोड़ा सा हटके अभी लड़ रहे हैं, इसलिए इसको इतना भी साख का नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब एथिक्स ही नहीं है तो साख का तो सवाल हो ही नहीं सकता है ना। तो ये मेरा सोच है। बाकी ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण चुनाव को हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से लड़ा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लंबे समय तक फील्ड में रहे, हमारे सारे लोग फील्ड में रहे। देखिए हम लोगों को मालूम है कि जब उपचुनाव होता है जहां सत्ता दल होता है तो उनके पास अपना एक एक्स्ट्रा पावर होता है, प्रशासन उनके साथ होता है, बाकी सिस्टम उनके साथ होता है, उस बीच में हमको लड़ना होता है, तो हमारे को डबल एनर्जी के साथ में चुनाव लड़ना होता है। तो ये हमारे लिए काफी कठिन जो समय है, उस समय में हमारे लिए मजबूती से लड़ने का ये जो हमने प्रयास किया, ये बड़ा सराहनीय प्रयास किया। हमने अच्छे प्रत्याशी को मैदान में उतारा, उसके बाद में हम लोग इस पूरे चुनाव में मुद्दों से नहीं भटके। ये मैं कांग्रेस की तारीफ करूंगा कि हम लोग पिछले चुनावों से एक चीज अच्छी लेके चल रहे हैं कि हम हमारे मुद्दों से डाइवर्ट नहीं हो रहे। भारतीय जनता पार्टी क्या जब भी आती है कुछ भी बीच में एक मुद्दा छोड़ के हम लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश रही है, वो स्ट्रेटजी को हम लोग उनकी समझ चुके हैं और उसको हम लोग फेल करना जानने लगे हैं। अब हम लोगों के पास जो अगले चैलेंजेस है कि जो भावना है, देखिये जन भावना पूरे श्वेता बहन पूरे मध्य प्रदेश में या देश में कांग्रेस के पक्ष में रही है, परंतु उसको हमने वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये हमारे लिए मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो वो जो वोट में कन्वर्ट करने वाली बात है उसको हम लोगों को और समझना पड़ेगा, उस पर हमें और वर्किंग करने की जरूरत है। हम लोगों को फील्ड में बहुत छोटे मुद्दों के साथ में लड़ने की जरूरत है। और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम तरह के चुनाव जीतने के जो इनके SOP बन चुके हैं, स्वाभाविक उनका संगठन अच्छा है, मैं उनकी तारीफ भी करूंगा संगठन की, पर संगठन के साथ साथ जो वो दूसरी चीजें उपयोग में लाते हैं जो उनकी टूल किट है चुनाव जीतने की, उसको भी हम लोगों को समझना होगा। हम लोगों को उनका पैसे का जो सिस्टम है वो समझना होगा, जो डराने धमकाने की राजनीति है वो समझना होगा, प्रशासन को जिस तरीके से वो कब्जे में लेते हैं वो समझना होगा। ये तमाम चीजों पर हमें बहुत वर्क करने की जरूरत है। तो बिल्कुल वर्क करने की जरूरत है केदार जी, लेकिन एक स्टूडेंट को अगर हम देखें परफॉर्मेंस भले ही साल भर अच्छा हो लेकिन नतीजे ही मैटर करते हैं। आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है या वोट प्रतिशत है वो तब्दील हम नहीं कर पाए, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस सुधारने की जरूरत थी, क्योंकि लगातार हमने देखा कि कांग्रेस कई तरह की बैठकें करती रही है और फीडबैक लोगों से लेती रही है, कई चीजें सामने भी आई हैं,
फाइंडिंग कमेटी की भी अहम बैठक होती रही, इसमें कोई नतीजे तक पहुंच पाए क्या, कांग्रेस पहुंच पाई कि वाकई कहां गलतियां हो रही, कहां कमियां रह रही, क्या चुनौतियां हैं? श्वेता, दो तीन चीजों में बारीक चीजें से बात हम लोग करें तो समझ में आ जाएगा। जितना संसाधन अगर भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसका अगर हमारे पास 40% भी हो, तो हम भारतीय जनता पार्टी से कई गुना मजबूत। आज की तारीख में हम लोग जीरो जीरो वाली पॉलिटिक्स है, जीरो पैसा खर्च करने वाली, उसके साथ में हमारे पास बहुत बड़ा जनाधार है। वो जनाधार इसलिए कि हमारा वीजन स्पष्ट, हमारे लोगों की आइडियोलॉजी ठीक है, हम लोग बांटने की राजनीति नहीं करते, हम लोग दबाने की राजनीति नहीं करते। हमारा जो राजनीति है वो सोशल जस्टिस का राजनीति है। हम लोग गरीबों में, मजदूरों में, किसानों में, युवाओं में, महिलाओं में, छोटे व्यापारियों में एक समानता की तरफ काम करते हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छी स्ट्रेंथ है। बाकी ये सही है कि जो कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो अगर हम फेल हो रहे हैं तो उसको तो फेल माना ही जाएगा ना, उसमें तो अगर हम लोग इफ एंड बट करते हैं तो अगला फेल्यूर हम पक्का कर रहे हैं। जो आने वाला फ्यूचर का परीक्षा है ना, उसको भी हम फेल कर सकेंगे। तो अभी वर्तमान में जो चैलेंज है उसको बड़े मन से हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कमियां है और ऐसी भी कमियां नहीं है कि जिसको हम दुरुस्त नहीं कर सकते, हम दुरुस्त कर सकते हैं। जनभावना हमारे साथ है, लंबा केडर है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास केडर नहीं है। देखिए, हमारे पास जिला बॉडी है, हमारे पास ब्लॉक बॉडी है, हमारे पास बूथ की बॉडियां हैं। अभी जो बस उनमें कम्युनिकेशन डेवलप करने की जरूरत है। दूसरा, जो हमारा जो जो संवाद है उसको ग्रास से लेके अब तक ले जाने की जरूरत है। और हमारे को जो हमारी तासीर है, देखिए कांग्रेस की तासीर जो है वो दो तरह की। एक तो हम लोग बहुत इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस में गिने जाते हैं। हमारे यहाँ का किसी भी कांग्रेसी को आप पकड़िएगा, वो आम पार्टी से इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल इन मीन दैट कि वो कानून को जानते हैं, वो पॉलिसी को जानते हैं, वो लोगों की जो तकलीफ है उसको नियम में बदलना जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उन्हें अनुभव है। तो एक हमारे पास इंटेलेक्चुअल जो हमारी ताकत है, दूसरा हम लोगों को जो आजादी के समय की कांग्रेस है वो लड़ने वाली, पुलिस से न डरने वाली, जेल न डरने वाली, हर मुद्दे पर डंडे खाने के लिए तैयार रहने वाली, वो कांग्रेस का जो मसला है वो हम लोगों को लेके आना पड़ेगा। आपने कहा सरोही जी की इंटेलेक्चुअल पार्टी है और जनता की भावनाओं को समझती है। आखिरकार इस चुनाव को अगर हम देखें, साग का तो प्रश्न था ही, लेकिन फिर कमलनाथ जी आखिरकार लास्ट मोमेंट पर ही क्यों देखे गए और भावनात्मक मैसेज देने की भी कोशिश की, क्या बड़ी वजह थी कि वो वहां नहीं पहुंचे? और अगर नहीं जा पा रहे थे तो उनके जो बेटे हैं नकुलनाथ, वो वहां पर नहीं पहुंचे, हालांकि जीतू पटवारी वहां पहुंचे, तमाम जो दो पर्यवेक्षक बनाए गए थे उइके सुनील, उइके सुखदेव पासे, ये वहां पहुंचे, लेकिन क्या बड़ी वजह थी कि कमलनाथ जी इस चुनाव से नदारद दिखे उपचुनाव से? देखिए, संगठन के मुखिया होते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, तो हमारे आज की तारीख में मध्य प्रदेश में सबसे बड़े अगर कोई लीडर है तो वो हमारे मुखिया जीतू पटवारी जी। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, जो अध्यक्ष होगा वो हमारा लीडर होगा, जो लीडर होगा वो मुखिया होगा, जो मुखिया है वो वहां पर रहे। आपको, हमको सबको तारीफ करनी चाहिए कि जीतू पटवारी जी करीब 15 दिन रहे हैं, वो इस बार उन्होंने एक नया जो ट्रेंड लेके आए हैं, वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा जरूरत वाला ट्रेंड था। उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे गए हैं, गांव पे गए हैं, बूथ पे गए हैं, छोटे छोटे ग्रुप में उन्होंने बात की, उनको जोड़ा है, और ये जो उन्होंने बीज बोया है इसका जो हमारे संगठन को जो फल मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। और रहा कमलनाथ जी का सवाल, तो कमलनाथ जी की जहां जहां जरूरत लगी, जितना समय की उनको उनकी जरूरत लगी, उन्होंने पूरा वहां पर दिया है। उनका अच्छा नेटवर्क है, उनसे लोग कनेक्ट है, उनका लोग सम्मान करते हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से वहां पर जो चुनाव लड़ने में जो सहयोग करना चाहिए था वो पूरी तरीके से किया। इवन धीरेन्द्र जी का जो सिलेक्शन है उसमें कमलनाथ जी का बड़ा योगदान रहा, और मैं मानता हूं कि हमने जो वहाँ पार्टी कैंडिडेट का सिलेक्शन किया वो बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल और विश्वसनीय ब्रांड को किया। तो बिल्कुल, ये चुनाव किस तरह का हो गए तो नतीजे जब आएंगे उसके बाद ही स्थितियां स्पष्ट होंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए और अजय हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, हम उनसे भी अपडेट लेंगे और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे भी ये समझना चाहेंगे हम कि जिस तरह से हमने देखा साख का प्रश्न था, दोनों ही पार्टियों ने लगातार सक्रियता दिखी, चाहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी हम देखें, 4 बार उन्होंने दौरा किया और इतना ही नहीं वहाँ रात्रि विश्राम भी किया। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आस्था का जो कॉकटेल है वो कांग्रेस में ला पाएगी?
देखिए इसको दोनों विषय अलग अलग है, पॉलिटिक्स और आस्था और धर्म तीनों को मतलब एक साथ मिलाना नहीं चाहिए। ये एक इंसिडेंस है कि जहां से हमने कैंडिडेट लिए हैं उनका पारिवारिक बैकग्राउंड वहां पर आस्था का है, और यहाँ पर नहीं, कई जगह इस तरह के आते हैं। जैसे कहीं हम लोग फार्मर लीडर्स को ले लेते हैं, तो फार्मर लीडर का मतलब अगर देखा जाए तो उधर आस्था से जोड़ लिया जाए, तो अलग अलग तरह की लीडरशिप है। धीरेन जी में अच्छी लीडरशिप है, युवा है, यूथ है। हम लोगों को कमलेश शाह जी के अल्टरनेट में वहां पर यूथ और डायनामिक लोगों को डेवलप करना है, उनको खड़ा करना है, उनके माध्यम से आगे वहां की लीडरशिप को करना है, तो मुझे नहीं लगता। हाँ ये है कि उनके जो दादा साहब हैं उनका वहां पर अच्छा है, अचल धाम आश्रम का बहुत बड़ी मान्यता है। हम कभी भी आश्रम की मान्यता को, वो सबके लिए, वो कांग्रेस के लिए भी है, भाजपा के लिए भी है, आम आदमी पार्टी के लिए भी है, सब वर्ग के लिए है, तो हम उनकी आस्था को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ेंगे। वो एक स्वतंत्र है, और जो अचल धाम के प्रमुख है उन्होंने भी कहा कि चुनाव अलग चीज है, उनका अलग है, तो मैं तो उस चीज को जोड़कर पॉलिटिक्स में नहीं देखूंगा। मैं तो ये देखूंगा कि उनको वहां पर जो नालियों में प्रॉब्लम है, जहाँ पानी की प्रॉब्लम है, जहाँ सड़क की प्रॉब्लम है, स्कूल की छत नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, पशु अस्पताल में जाओ तो पशुओं को इंजेक्शन तो जो लगाने की समस्या जो है वो रुग्ण जमीनी की। स्तर पर तो लगातार बनी हुई है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, अजय धवले जी। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर, और हम केदार जी से लगातार प्रतिक्रिया उनकी ले रहे थे इस उपचुनाव को लेकर। लेकिन अब आपसे ही समझना चाहेंगे आपका ओपनिंग स्टेटमेंट किस तरह का रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी उपचुनाव होते हैं 90-95% यही होता है कि फेवर ज्यादातर सरकार के पक्ष में ही रहता है। लेकिन यहाँ पर स्थितियां अलग हैं। कमलेश शाह ने पार्टी बदली, जब लोगों के बीच हमारे सहयोगी पहुंचे, संवाददाता पहुंचे, तो नाराजगी साफ तौर पर कमलेश शाह के प्रति लोगों की दिख रही थी। क्या कहेंगे आप? देखिए, दो दो बातें महत्वपूर्ण होती है मुझे लगता है किसी भी उपचुनाव का एनालिसिस करने के लिए। एक तो पहले कि सत्ताधारी दल किस प्रकार की राजनीति कर रहा है, क्या वो लोक कल्याण की, जन कल्याण की, गरीब कल्याण की राजनीति कर रहा है। यदि हाँ तो निश्चित तौर पे परिणाम उसी के पक्ष में आएंगे। एक दूसरा विपक्ष को भी देखा जाता है कि विपक्ष कैसा है, एक सशक्त विपक्ष है या भ्रम फैलाने की राजनीति करने वाला विपक्ष है। तो इस दोनों बातों में आप देखेंगे कि अमरवाड़ा उपचुनाव इसलिए फिट बैठता है कि गरीब कल्याण जन कल्याण की राजनीति करने वाला एक दल भारतीय जनता पार्टी और भ्रम फैलाने वाला दल जो विपक्ष कांग्रेस, उसने क्या किया कि इस पूरे चुनाव को कहीं ना कहीं एक अपनी अंतर्गत द्वंद जो कांग्रेस का यहां दिखा कि कमलनाथ जी, जीतू पटवारी, उमंग संघार, इस प्रकार के गुटों में बटी हुई कांग्रेस इस अमरवाड़ा के उपचुनाव में दिखी कि जो यहाँ के 44 वर्षों से राजनीति कर रहे थे और जिनके भरोसे राजनीति कर रहे हैं, ऐसे कमलनाथ जी और नाथ परिवार ने अमरवाड़ा को बिल्कुल खाली छोड़ दिया। जबकि उनका अगर चुनाव था तो उनका पूरा परिवार यहाँ 40 दिनों तक टटा था। वही कमोबेश जब कार्यकर्ता का चुनाव होता है कांग्रेस के, तब वो यहाँ से विदेश में रहते, छुट्टियां मना रहे थे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के 5 प्रवास हो गए, एक रात्रि विश्राम हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के 3 प्रवास हुए, माननीय संगठन महामंत्री जी के 3 प्रवास हुए, और भारतीय जनता पार्टी की समूची लीडरशिप जमीन पे उतर कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को वहां के जन जन को बता रही थी। अमरवाड़ा ने पहले भी लोकसभा के चुनाव में इतिहास रचा था, हम 16,000 वोटों से लोकसभा के चुनाव में यहाँ से जीत गए थे। और इसी लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से एक जनजातीय समुदाय के एक सर्वमान्य नेता को कांग्रेस के नाथ परिवार द्वारा गद्दार और बिकाऊ कहा गया, उसका बदला लोकसभा के चुनाव में अमरवाड़ा की जनता ने लिया था। उसी का एक्सटेंशन आपको अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में दिख रहा है। अभी 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 3 राउंड में लगभग 5,000 की बढ़त, और ये उस क्षेत्र से बढ़त है जहां पे भारतीय जनता पार्टी को पहले जनाधार नहीं मिलता था। ये ऐसे क्षेत्र है, छिंदी का क्षेत्र, भटका का क्षेत्र, यहां भारतीय जनता पार्टी 5,000 वोटों से आगे निकल गई है। तो जो हमारा स्ट्रांग होल्ड है, अमरवाड़ा है, शहरी शहर है, यहां से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक ऐसी बढ़त लेके जाएगी कि ये इतिहास रचने वाला चुनाव हो जाएगा। और देखिए कि पूरे के पूरे चुनाव में कांग्रेस जिस प्रकार से फेक नैरेटिव फैला रही थी कि आस्था की लड़ाई राज परिवार के साथ में, वो राज परिवार और आस्था की लड़ाई कभी नहीं थी। वो राज परिवार, राजा कमलेश शाह जी वहां खुद मत्था टेकने जाते थे, और धर्म को जो बीच में जो कहता है कि हम सेक्युलर पार्टी है, धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन किस प्रकार से कांग्रेस ने एक धार्मिक परिवार को, एक समाज सेवा करने वाले परिवार को अपनी राजनीति का मोहरा बनाने का प्रयास किया। लेकिन वहां की जनता जो जागृत जनता थी, उसने अपने अभी के 3 राउंड के जो मैंडेट हम देखते हैं, निश्चित तौर पर इनकी भ्रम फैलाने वाली, इनकी द्वेष भावना वाली राजनीति को सबक सिखाया। ठीक है केदार जी, आपने सुना अजय जी को। अब ये सवाल कि 44 साल का भेद किला तो रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस को हाल ही में झटका भी लगा है, लेकिन आखिरकार इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं कि गुटबाजी है, 3 बार उसमें सेगमेंट में बटी हुई पार्टी है, उसे ठीक करने की जरूरत है, कि इस तरह के आरोप जिस तरह से बीजेपी लगाती रही है और अजय जी भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी अपोजिशन की पार्टी है राजनीतिक रूप से,
तो उनका धर्म है, राजनीतिक धर्म है, अजय भाई का राजनीतिक धर्म है, उनको अच्छे से आरोप लगाना चाहिए। वो ये अगर ये आरोप नहीं लगाएंगे तो फिर क्या जवाब देंगे वहां? वहां ये जवाब देंगे कि धीरेन्द्र शाह की जो ये जो कमलेश शाह है उनकी जो पत्नी है उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, इन्होंने लेके अब वो करप्शन के चार्जेस दूर हो जाएंगे? ये नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते वहां कि आप 20-25 साल से मध्य प्रदेश के पर शासन कर रहे हो और वहां पर अव्यवस्था है, इसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश की सरकार है। नहीं, वो नहीं बताएंगे। तो ये बताने के लिए स्वाभाविक है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में धड़े हैं, बिल्कुल ये तो बताना ही चाहिए ना इनको, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। दूसरी बात, ये कह रहे हैं हमने आस्था और धर्म का वाले व्यक्ति को दे दिया। अरे महाराज माफ करो, भगवान राम को नहीं छोड़ा आपने तो। आप मैं ये उमा भारती जी कौन थी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कौन थी, ऐसे कई मैं नाम गिना दूं जहां पर आप लोग हमेशा धर्म के ही लोगों को लेके आते हो। तो धर्म आपका पेटेंट नहीं है और जी वहां भी मतलब आप धोखा कर रहे हो। आज देखिए अयोध्या में भगवान राम का बनाया, वहां की जमीनों की क्या स्थितियां हैं आपको पता ही है, मैं तो कम ही जानता हूं पर आप ज्यादा अच्छे से जानती हैं। कांग्रेस देखे कि आरोप लगाकर भाग जाती है। अब इस अमरवाड़ा उपचुनाव में जैसा कि केदार जी कह रहे हैं कि कमलेश शाह जी की पत्नी पर आरोप था, तो जब वो आरोप था उस समय वो कांग्रेस में थी और कांग्रेस की ही राजनीति करती थी, तब तो कांग्रेस ने उनको डिफेंड कर लिया। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी में, तो आप कहते कि उनके ऊपर आरोप था। तो इस प्रकार की जो दोगले चरित्र वाली राजनीति है, भ्रम फैलाने वाली राजनीति है, इसी से कांग्रेस अब कांग्रेस का अस्तित्व टिका है। जब कांग्रेस वास्तविकता की राजनीति करने लग जाएगी तो जो परिणाम आ रहे हैं वो परिणाम परिणाम आ रहे हैं। अजय जी आपसे ये सवाल कि हमने देखा वो रोचकता शब्द खूब चला है समय, महल बनाम दरबार का, धीरन शाह की एंट्री हुई और कमलेश शाह अगर इतने स्ट्रांग है बीजेपी में तो इतनी मेहनत बीजेपी क्यों करती हुई नजर आए कि रात्रि विश्राम तक सीएम वहां करते हुए नजर आए, 4 बार उन्हें दौरा करना पड़ा, पूरी जो तैयारियां थी, बड़े स्तर के दिग्गज नेता लगातार अमरवाड़ा पहुंचते रहे। देखिए ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मेहनत करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिश्रम करने में विश्वास करती है। आप देखेंगे कि मैं आपको एक और अच्छा उदाहरण दे दूं कि जब भाग्यनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था, जिसे हम हैदराबाद कहते हैं, उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में माननीय अमित शाह जी ने रोड शो भी किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता एक कार्यकर्ता के भाव से संगठन जो दायित्व देता है उसे निभाने में सक्षम है और वो करना भी चाहता है, क्योंकि हम मानते हैं कि चुनाव जीतकर ही देश में जनकल्याण की राजनीति की जा सकती है। भैया कांग्रेस से पूछ लीजिए कि इनके, मैंने जैसे कि कहा कि 44 वर्षों से इस क्षेत्र के भरोसे जिनकी राजनीति थी, जिनका राजनीतिक अस्तित्व था, वो मात्र चुनाव में 2 दिन कमलनाथ जी, 3 दिन उनके पुत्र, इस प्रकार से तो ये चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते, चुनाव जमीन पर उतर कर प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर परिश्रम कर मेहनत कर अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करके जीते जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है जब आप लेते हैं केदार जी आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से अजय जी भी कह रहे हैं और कमलनाथ पूर्व सीएम वहां दिखे नहीं, क्या उन्होंने पहले से ही मान लिया था कोई गुंजाइश नहीं बची है इस चुनाव उपचुनाव में, इस वजह से वहां नहीं पहुंचे? नहीं, अगर वो अगर ये मान लेते तो तुम बिल्कुल भी नहीं आते, 2 दिन 4 दिन 3 दिन मेहनत करके और वो प्रश्न चिन्ह क्यों लगवा रहे थे, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो उनका चुनाव लड़ने का अपना तरीका, हमारा चुनाव लड़ने का अपना तरीका है। उनके वहां मेहनत होती होगी, ठीक, अच्छी बात है, वो तमाम तरह के हथकंडे आजमाते हैं, अच्छी बात है। उनके यहाँ जो गुटबाजी है उस पर वो मौन रहते हैं, ये भी अच्छी बात है। अभी शिवराज और मोहन जो विजयवर्गीय की सरकार है, अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन विजयवर्गीय जी, उनकी और शिवराज जी की बहुत लड़ाइयां चल रही है। मैंने मोहन विजयवर्गीय जी जी, बोला, जी, जी, जी। मोहन यादव की सरकार नहीं है, मोहन विजयवर्गीय की सरकार है और उस मोहन विजयवर्गीय का और शिवराज जी का तगड़ा यहाँ पर चल रहा है, ये नहीं कह पाएंगे ना। इनके यहाँ तो स्वतंत्रता है ही नहीं, मैं आजादी से बोल रहा हूं, आपने जो भी प्रश्न पूछे उसका मैंने बड़े खुल के जवाब दिया है। मैंने मान भी लिया हमारी कमजोरी है, ये हमारी कांग्रेस है, ये इतनी हमारे यहाँ छूट है, ये हमारे यहाँ की लिबर्टी है और ये हमारी स्वतंत्रता, इनके यहाँ तो गुलामी है जी, ये बोल नहीं जी सकते। गुलामी है, स्वतंत्रता उनके यहाँ बिल्कुल, उनके यहाँ गुलामी। आप इनसे अजय जी इनसे इनसे नहीं जी, अजय जी एक प्रश्न पूरा कर लेता हूँ मैं जी जी बोलिए, क्या अब धीरेन्द्र शाह और उनकी पत्नी धूप बिना मेहनत किए खुश होना चाहती है, तो कांग्रेस को ऐसी खुशी की हम लोग शुभकामनाएं देते कि आप सुन लेते हैं, 1 मिनट केदार जी को सुन लेते हैं। अजय जी हम करते रहेंगे, अजय जी केदार जी को सुन लेते हैं, उनके जहन में एक सवाल है जी सर, एक मिनट में सर जी जी बोलिए बोलिए।
धीरेन साहब हमारे यहां थे जब भ्रष्ट थे, अब इनके यहां के पवित्र हो चुके हैं। ये जो दोगलापन भारतीय जनता पार्टी का, हम कह रहे हैं धीरेन साहब भ्रष्ट थे, जेल भेजो, हमारी पार्टी के हो या आपकी पार्टी के हो, भ्रष्टाचार कभी भी सहन ठीक है। अब अजय जी आप बोलिए। नहीं नहीं केदार जी को थोड़ा करेक्ट कीजिए, धीरेन शाह अभी भी कांग्रेस में ही है, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो भ्रष्ट नहीं है ऐसा आपको कहना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि धीरेन शाह हमारे यहाँ से अभी भ्रष्ट हो गए, ये थोड़ा सा मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट करना चाहता हूँ। आप जीतू पटवारी जैसा लड़खड़ाइए मत, जीतू पटवारी जी ने भरी सभा में कहा था कि धीरेन शाह भ्रष्ट था, भारतीय जनता पार्टी में चला गया, लेकिन धीरेन शाह आपके कैंडिडेट है अभी वर्तमान में। रही बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के डिफरेंस की, बेसिक डिफरेंस की, कि कांग्रेस मेहनत, जब भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती है तो कांग्रेस उसे कहती है कि ये सौदेबाजी की राजनीति करते हैं, ये दबाव डाल के राजनीति करते हैं। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप परिश्रम करेंगे तो दबाव डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके सरकार के किए हुए काम आपको वोट दिलाने में सक्षम है। रही बात कांग्रेस, जिस प्रकार से मैंने कहा कि मैंने आज इसलिए पूरा ये कहा कि पूरे के पूरे आप चुनाव में देखिए कांग्रेस, तो बिल्कुल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, हालांकि देखना होगा मरवाड़ा का उपचुनाव का नतीजा अब 1-2 बजे तक स्पष्ट रूप से आ जाएगा, क्या कुछ स्थितियां बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो उपचुनाव की जंग और अमरवाड़ा का अखाड़ा आप देख रहे थे, क्या कुछ होता है इस चुनाव के नतीजे में, फिलहाल इंतजार रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे।